का मौका है और सास बहू बेटियां कुछ यादों के झरोके से लेकर आया है ऐसी स्टोरीज जो आज भी क्लासिक है। और ऐसी स्टोरी है ईशा सिंह और उनके भाई का भैया दूज, जो तीन सास बहू बेटियां ने मनाया था। तो चलिए भैया दूज के मौके पर एक बार फिर से यादें ताजा करते हैं ईशा सिंह के साथ उनके भैया राजा के साथ। सास बहू और बेटिया के सभी व्यूअर्स को वेरी हैप्पी भाई दूज। हैप्पी भाई दूज। ये है मेरा भाई मुंस। हाय। यानी कि रुद्राक्ष। तो घर में उसे प्यार से मुंस बुलाया जाता है, तो मैं मुंस से ही एड्रेस करूंगी इसे। ईशू दीदी को घर पे ईशू ही बोलते हैं और मैं तो ईशू दीदी बुलाता हूँ और सब लोग ईशू ईशू करके बुलाते हैं। और हमेशा भाई दूज या फिर राखी में ऐसा होता है, मैं इनको ये तो गिफ्ट लेती हैं बट मैं भी गिफ्ट लेता हूँ। ये बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि हमें छोटे से ये हुआ है कि एक को बुरा ना लगे, तो अगर इसका बर्थडे है तो गिफ्ट मुझे भी मिलता है और अगर मेरा बर्थडे तो इसके लिए भी गिफ्ट आता है। तो बर्थडे इसलिए बीच में लाई कि भाई दूज पे भी जहाँ बहनों को मिलता है उसमें भाई को भी मिलता है, तो इक्वल हो जाता है। मस्ती से ज़्यादा लड़ाई होती है। मस्ती उस वक्त होती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अगर अकेले हैं तो घर में लिटरली, अब बड़े हो गए तो सिर्फ आर्ग्यू करते हैं। जब छोटे थे मुझे याद है एक बार मैं मुंस को गुस्से में ऐसे ही कुछ फेंक के मारा था एंड ई वॉज सो फेयर। छोटे में स्किन भी इतनी प्यारी थी, अभी भी अच्छी है। जाकर ना ऐसे चार्जर पूरा छप गया था। मेरी जो बैंड बजी थी ना अभी मम्मी से अभी भी मॉम नहीं थी तो हम दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं, तो एक वहाँ खड़ा होता है यहाँ बैठा होता है आर्ग्यू कर रहे हैं, तो वो आर्ग्यू की सिर्फ वॉल्यूम रेज होती जाती है। अब इतने बड़े हो गए कि मारा पीटी अच्छी नहीं लगती। नहीं नहीं मैं बताती हूँ, मैं ये झूठ बोलेगा अभी, ये नुक्स निकालता है वहाँ बैठ के, ये ऐसी क्यों लग रही है, ये दुपट्टा देख लो। और लिटरली कई बार मेरा मजाक उड़ा होता है, अरे अरे वो देखो एक्सप्रेशन तो देखो, वो देखो दांत दिख रहे हैं। आई नो मेरे बनी टीथ है लेकिन मेरा कोई दुनिया में इतना मजाक नहीं उड़ाता होगा और वो मुंह इतना उड़ाता है मेरा। और कभी मैं जब वीडियो गेम्स खेलता हूँ तो सबसे ज़्यादा यही बोलती है नीचे जाओ दोस्त बनाओ। मैं कैसे बताऊँ मेरे दोस्त है और मैं खेलता हूँ तो भी मेरे को फोर्स करती रहती है। डैड ने इसको अभी इसके पास PS4 है तो ये है तो वो है, तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों में टेक्नोलॉजी में फ़ोन ये वो पबजी पता नहीं क्या क्या गेम्स, तो मैं इसको फोर्स करती हूँ कि जाओ नीचे जाके खेलो तो वो इस पर चिढ़ जाता है कई बार। तो मुझे एक बार सो आई एम रियली वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, नॉट रियली वेरी एक्टिव बट बाकी सोशल मीडिया से ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अपडेट रहती हूँ और चेक करती हूँ, तो मैं कई बार मैसेज भी चेक कर लेती हूँ। तो एक लड़की का मैसेज था जो शायद मुंस के स्कूल से थी, उसने लिखा कि मुझे आप बहुत पसंद हो, आई नो कि आप रुद्राक्ष की सिस्टर हो बट ऑनेस्टली आई लाइक रुद्राक्ष मोर। मैंने बोली ये कौन है? मुझे बहुत बुरी हाल है, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। अब बताएगा थोड़ी। नहीं मुझे सच में नहीं पता। क्यों नहीं कि आप सबके बीच, आप सबके सब भाई बहनों के बीच इतना ही प्यार रहे, ऐसी मस्ती हो, एंड आई एम वेरी श्योर जो ये कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ मस्ती होती है, कुछ लड़ाई होती है, ये सब हमारे पास एंडलेस स्टोरीज होती है, एक दिन वो हुआ था एक दिन वो हुआ था, तो यही बॉन्ड इन्जॉय करिए बिकॉज यू नेवर नो। मैं कई बार सोचती हूँ कि मून साक्षा शायद 2-3 साल बाद कहीं बाहर पढ़ने चले जाए या मैं कहीं इधर उधर चली जाऊँ तो बहुत याद आने वाली है, तो जस्ट एन्जॉय दीज मोमेंट्स, दे आर वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी हैप्पी भाई दूज टू एवरीवन। मैंने आपसे कहा था ना ये गेम्स में होता है, तो देखना अभी भी गेम खेल रहा होगा, देखो कैसे बैंड बजाती हूँ मैं और वो गाने सुन रहा है तो वो मुझे नहीं सुन सकता है, बेस्ट पार्ट ये है। अभी इसकी बैंड बजाते हो। दीदी गेम चल रहा है मेरा, ऑनलाइन है प्लीज। दीदी नहीं ऑनेस्टली मुझे कुछ खेलना नहीं आता है, मुझे गेम्स में कुछ नहीं पता है, तो मैंने जब जब कुछ चीज़ें लिए मैंने बिगाड़ा। अगर ये कार रेसिंग कर रहा होता तो मैं कार को कहीं वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट ले जाकर ठोक कर उसकी बैंड बजा के ले आती हूँ, तो मिशन जो चल रहा था बर्बाद कर लेती हूँ। तो हमेशा ऐसे ही होता है लेकिन मज़ा आता है, यही मस्ती में चलती रहती हैं चीज़ें। सो या हैप्पी, मैं गेम देखने लगी थी कौन सा नया आया है। आई एम सो सॉरी। सो हैप्पी भाई दूज, हैव फन।